भी का ध्यान पोस्टमैन के पैरों की तरफ ध्यान पोस्टमैन के पैरों की तरफ इसलिए आकर्षित हुआ हुआ क्योंकि इसलिए आकर्षित हुआ क्योंकि पोस्टमैन आकर्षित हुआ क्योंकि पोस्टमैन के पैर मजबूत जरूर थे परंतु वह हमेशा नंगे पैर ही आता था। तो पोस्टमैन को नंगे पैर नहीं चलने की सुझाव से बीबी क्यों आनंदित हुई क्योंकि बीबी इसलिए आनंदित हुई बीबी इसलिए आनंदित हुई क्योंकि बीबी इसलिए आनंदित हुई क्योंकि इसके हाथों से एक बड़ा काम होने जा रहा था क्योंकि उसके हाथों से बड़ा काम होने जा रहा था। वह ये भी बेबी को मन से मन वह मतलब काम वह काम बेबी को मन ही मन उसके बड़ा काम होने जा रहा था। वह बेबी को मन ही मन ताकत दे रहा था। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है आपका पहले दूसरा प्रश्न था बेबी प्रश्न था परिचित को देखकर बेबी को आनंद आता था फिर भी उसे पोस्टमैन को चले जाने फिर भी उसने पोस्टमैन को चले जाने को क्यों कहा। बेबी इसलिए आनंदित हुई क्योंकि उसके हाथों से बड़ा काम होने जा रहा था। प्रश्न है सेकंड प्रश्न एक बार दोबारा पढ़ते हैं पोस्टमैन को नंगे पैर नहीं चलने देगी इस विचार से बीबी क्यों आनंदित हुई। बीबी इसलिए आनंदित हुई क्योंकि उसके हाथों से बड़ा काम होने जा रहा था। वह बीबी को मन ही मन ताकत दे रहा था ऐसा लग रहा था बीबी को मन ही मन ताकत दे रहा था ऐसा लग रहा था मानो मन ही मन ताकत दे रहा था ऐसा लग रहा था कि बेबी इसलिए आनंदित हुई क्योंकि उसके हाथों से बड़ा काम होने जा रहा था। वह बेबी को मन ही मन ताकत दे रहा था ऐसा लग रहा था कि वह कोई अच्छा कार्य करने जा रही है अच्छा कार्य
वह कोई अच्छा कार्य करने जा रही है। बेबी ने हरिबा को 2 दिन बाद जूते का नाप देने को क्यों कहा? उत्तर 3, बेबी ने हरिबा को 2 दिन बाद जूते का नाप देने को इसलिए कहा कहा क्योंकि उसने पोस्टमैन के पैरों का नाप नहीं लिया था, ये माप लिखो का माप नहीं लिया था। पोस्टमैन अगले दिन आने वाला था, इस तरह वह नाप ले लेती। पोस्टमैन अगले दिन आने वाला था, इस तरह वह नाप ले लेती और हरिबा को दे देती। ठीक है, बेबी ने हरिबा को 2 दिन बाद जूते का नाप देने को इसलिए कहा क्योंकि उसने पोस्टमैन के पैरों का माप लिया था, पोस्टमैन अगले दिन आने वाला था, इस तरह वह नाप ले लेती और हरिबा को दे देती। अगला देखिए, अगला हमारा है बेबी ने पोस्टमैन के जूतों का माप कैसे लिया। बेबी ने पोस्टमैन के जूतों का माप कैसे लिया? बेबी ने दूसरे दिन या फिर लिखो दूसरे दिन दिन पोस्टमैन दूसरे दिन पोस्टमैन आया। दूसरे दिन पोस्टमैन आया और थोड़ी देर रुककर अगले दिन दूसरे दिन पोस्टमैन आया और थोड़ी देर रुककर डाक देकर लेकर डाक देकर चला गया। डाक को कुर्सी पर रखकर बेबी फ्रॉक की जेब से परकार निकाल कर जाने वाले पोस्टमैन के पदों का आड़ा सीधा
पेड़ा माँ ले लेती है, माँ ले लेती है। इस प्रकार बेबी ने पोस्टमैन का माप ले लिया था। ठीक है, दूसरे दिन जब पोस्टमैन आया और थोड़ी देर रुक कर ड्राफ्ट लेकर चला गया, ड्राफ्ट को कुर्सी पर रख कर बेबी फ्रॉक की जेब से प्रकार निकाल कर जाने वाले पोस्टमैन के पदों का आड़ा सीधा टेढ़ा माप ले लेती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बेबी से उपहार में जूते पाकर पोस्टमैन के मन में क्या विचार आए होंगे? बेबी से उपहार के रूप में, बेबी से उपहार के रूप में, उपहार के रूप में जूते पाकर पोस्टमैन मैन के मन में यह विचार आया कि बेबी से उपहार के रूप में जूते पाकर पोस्टमैन के मन में यह विचार आया कि उसने आया कि इस बच्ची ने मेरे नंगे पैर को जूते दिए, उसके पैर नहीं है, उसके पैर नहीं है, वे मैं कैसे दे दूंगा, वे मैं कैसे दे सकूंगा, वे मैं कैसे दे सकूंगा। ये सारा आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही रखना है, ध्यान रखना है ये इन्वर्टेड कॉमा से बेटा डबल, और ये आपको बनाना है, क्योंकि जिसका जो कर्तव्य होता है, जो कहा गया होता है, उसको हम एज इट इज लिखते हैं, उसमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, उसको हमें बदलना नहीं होता है। तो बेबी से उपहार के रूप में जूते पाकर पोस्टमैन के मन में यह विचार आया कि इस बच्ची ने मेरे नंगे पैर को जूते दिए, उसके पैर नहीं है, वे मैं कैसे दे सकूंगा। ठीक है, अगला देखिए। बेबी के चरित्र की दो विशेषताएं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पढ़ने खाने के बाद च, बेबी के चरित्र की दो विशेषताएं निम्न प्रकार है, ऐसे देखो, बेबी के चरित्र की दो विशेषताएं निम्न प्रकार है। बेबी के चरित्र की दो विशेषताएं निम्न प्रकार है। नंबर एक, कौन कौन सी है? वह है बेबी अत्यंत, बहुत अधिक अत्यंत संवेदनशील, बहुत अधिक बेबी अत्यंत संवेदनशील बालिका, अत्यंत संवेदनशील बालिका है। बेबी को यह पता है कि उपहार के रूप में, यदि बेबी को यह पता है कि उपहार के रूप में यदि आवश्यक आवश्यक वस्तु दे दी जाए तो
वह उचित या फिर अधिक उचित, तो वह अधिक उचित माना जाता है, तो वह अधिक उचित माना जाता है। तो बेबी के चरित्र की दो विशेषता यही है। नंबर एक, यह चरित्र की दो विशेषताएं, ठीक है, बेबी के चरित्र की दो विशेषता यही। एक अत्यंत संवेदनशील बालिका है, बेबी को यह पता है कि उपहार के रूप में यदि आवश्यक वस्तु दी जाए तो वह अधिक उचित माना जाता है या फिर वह बहुत अधिक अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और बेटे, जितने भी बच्चे अभी YouTube पे इन चीजों को, YouTube पे जो देख रहे हैं वीडियोस को, वो अपने दोस्तों को बताओ, क्यों दोस्तों को बताइए कि YouTube पे जो जो वीडियोस हैं उनको सब्सक्राइब करो, बिकॉज इसी के थ्रू आपका सिलेबस कवर होगा। और स्नैपवर्क पे आपको ये सारे प्रश्न उत्तर, इसके अलावा जो आपके अलग से क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने हैं, जो भी अलग से आपको ग्रामर का पोर्शन है या फिर कुछ भी आपका अभ्यास कार्य है, सारा स्नैपवर्क पर मैं अपलोड कर रही हूँ। तो वहाँ भी आप जाके उसको चेक कीजिए, वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए, अपना काम कीजिए, और ये प्रश्न उत्तर आपको वहाँ मिलेंगे। तो वहाँ से आप देख लीजिए और उसे करना शुरू कीजिए। पाठ का नाम होगा उसमें, पाठ का नाम देखकर क्लास वाइज अपना काम करना शुरू कीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि आपको अलग से न्यू नोटबुक लगानी है। कुछ पेरेंट्स ये पूछ रहे हैं क्वेरीज, तो उसके लिए अलग से न्यू नोटबुक नहीं लगानी है बच्चे, आप उसके लिए जो आपकी पुरानी नोटबुक थी उसी में ही आगे कंटिन्यू करेंगे काम, उसी को आगे शुरू कर दीजिए, उसी आपकी उत्तर पुस्तिका के अंदर आगे कार्य आरंभ हो जाएगा। उसके लिए किसी अन्य उत्तर पुस्तिका की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।